एक प्रैक्टिकल और दिखाएंगे आपको, आप यहीं से दिखाना, मैं गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ। देखिए ये मेरी गाड़ी है, बीच पॉइंट में खड़ी है, यहाँ पे ढलान है और ये बीच में खड़ी है, और अब पीछे की ओर चढ़ाई है। मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ब्रेक छोड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए देखिए गाड़ी किस प्रकार से पीछे जा रही है, कितनी तेज़ी से गाड़ी पीछे जा रही है, देखिए। तो ये मैग्नेटिक हिल है, और जो हम बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय ताकत है, वो गाड़ी को पीछे की ओर खींचती है, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो हमने खुद देखा है कि हमारी गाड़ी जैसे हम इसको न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक हटाते हैं तो काफ़ी स्पीड से पीछे जा रही है। यहाँ खड़ी है और इस तरफ चढ़ाई है, अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो चढ़ाई है, चढ़ाई होने के बावजूद भी गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का आचरण है। फिर कि एक दो बज रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जब से ये आए हैं ये देखे ही जा रहे हैं कि हो तो रहा तो क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी 3-4 बार पीछे बैक आई है, तो ये कह रहे हैं, मतलब दांतों नीचे अंगुली दबाने वाला काम हो रहा है कीजिएगा, कि गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक भी नहीं लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करें कि हैंड ब्रेक भी गाड़ी में नहीं लगे हुए हैं, गाड़ी न्यूट्रल है, ठीक है। ब्रेक मैंने दबा रखे हैं, इसलिए दबा रखे हैं कि गाड़ी 20 की स्पीड में बैक जाती है। अब मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ूंगा तो आप देखिएगा मेरी गाड़ी किस प्रकार से पीछे की ओर जाती है, चढ़ाई की ओर रोक करती है। मैंने ब्रेक छोड़ दी है और गाड़ी पीछे की ओर, देखिए लगभग 20 की स्पीड में गाड़ी पीछे जा रही है, 20 की स्पीड में। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की है क्योंकि पीछे पहाड़ियाँ हैं, तो ये प्रैक्टिकल हमें महंगा नहीं पड़ जाए, तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं गाड़ी, नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खेतड़ी के भोपालगढ़ दुर्ग में जाने वाले रास्ते पे आए हैं, एक बार दिखाने की कोशिश कीजिएगा पहाड़ियों की वादियों में बसा ये भोपालगढ़ दुर्ग, जो सेकावाटी सहित खेतड़ी की आन बान और शान बना हुआ है। हम बात करें वो भोपालगढ़ दुर्ग जहाँ हम बात करें कि रियासत काल में यहाँ पे महाराजा राजा हैं, जो यहाँ का उनका एक अलग राज्य हुआ करता था, उस रास्ते पर हम जा रहे हैं। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि यहाँ जो रास्ते में गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करने के बाद वो गाड़ी है जो ऑटोमेटिकली मतलब चढ़ाई की ओर रुक करती है। यहाँ एक हिल है, जो मैग्नेटिक हिल की हम बात करें कि मैग्नेटिक हिल क्या होती है, जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में हम बात करें कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के रास्ते से जो भी साधन जाते हैं, जो गाड़ी जाती है, जो प्लेन जाती है, तो वहाँ मैग्नेटिक हिल के बारे में बताया जाता है कि वो पहाड़ी अपने आप अपनी ओर खींचती है। वही नज़ारा हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम जहाँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी गाड़ी को मैंने न्यूट्रल ब्रेक लगा रखे हैं और हैंड ब्रेक लगा रखी है, अदरवाइज ये गाड़ी पीछे इतनी तेज़ी से जाती है कि लगभग 20 से 25 की रफ्तार गाड़ी पकड़ लेती है और बैक जाती है, और वो भी आप ये कहेंगे कि बैक ढलान होगी, ढलान नहीं, बैक चढ़ाई है, उस चढ़ाई में मतलब गाड़ी चढ़ रही है। तो हम बात करें कि मैग्नेटिक हिल का सीधा सीधा अर्थ ये है कि इन पहाड़ियों की वादियों में प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर अभी जो खनिज पदार्थ हैं वो उपलब्ध हैं, चुंबकीय ताकत है जो इस गाड़ी को पीछे की ओर खींचती है। अगर पहले भोपालगढ़ दुर्ग वाले जाने वाले रास्ते से हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजेंद्र जी शर्मा, ये भी हमारे साथ बैठे हैं और आज इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ पंकज जी भी हैं जो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पब्लिक ऐप से हैं, जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आज यहाँ पहाड़ियों की वादियों में हम आए हैं। दोपहर के 1-2 बज रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जब से ये आए हैं ये देखे ही जा रहे हैं कि हो तो रहा तो क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी 3-4 बार पीछे बैक आई है, तो ये कह रहे हैं, मतलब दांतों नीचे अंगुली दबाने वाला काम हो रहा है कि गाड़ी खड़ी करने के बाद पीछे गाड़ी जा रही है तेज़ी से। एक बार पंकज जी हमारे साथ संवाददाता इनसे बातचीत करते हैं। जी जी बिल्कुल किशोर जी, जिस प्रकार प्रकृति है, प्रकृति के अलग अलग अजूबे हैं और यह अजूबा खेतड़ी में देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस स्थल पर हम खड़े हैं, खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र से भोपालगढ़ की तरफ जो रास्ता जाता है वहां पर ये है, और लगभग 3-4 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से अचरज का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पर पॉइंट है और आप कह दिए कि ये जो क्षेत्र है पूरा खनिजों से लबालब क्षेत्र है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ से कभी संचालन हुआ करता था इसका HCL का, और खनिज संपदा की भरमार है। तो उसी प्रकार से कोई प्रकृति का अचरज है कि गाड़ी तरफ चढ़ाई है, अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो चढ़ाई है, चढ़ाई होने के बावजूद भी गाड़ी इस तरफ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का अतरज है। और मैग्नेटिक हिल्स हम इसे में कह सकते हैं, कोई ना कोई प्रकृति की इस प्रकार की शक्ति, अदृश्य शक्ति यहाँ पर मौजूद है, ऐसा प्रतीत होता है। जी जी,
धन्यवाद। देखिए पत्रकार जी ने अपनी राय बताई है और पिछले एक घंटे से ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला है वो खनिजों से भरपूर पर्वतमाला है, और हम बात करें खेतड़ी की तो खेतड़ी का तो पूरा एरिया ही मतलब खनिज पदार्थों से भरा हुआ एरिया है। तो आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे या तो कुछ चुंबकीय ताकत है, वो ताकत अपने आप गाड़ियों को पीछे खींचती है, या फिर हम बात करें कि एक दूसरा ये मैग्नेटिक हिल बनने जा रहा है। जनप्रतिनिधि भी इस मामले को संज्ञान में लेकर इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि मतलब हम बात करें पर्यटक के रूप में उभर सकता है। जिस प्रकार से लेह लद्दाख में वो पॉइंट है जो पर्यटक के रूप में उभरा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में देश विदेश से लोग उस पॉइंट को देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ पत्रकार जी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या राय है। जी नमस्कार। अभी 3-4 रोज से एक मैसेज वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जिसकी सच्चाई जानने के लिए हम पत्रकार साथी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हमने खुद देखा है कि हमारी गाड़ी जैसे हम इसको न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक हटाते हैं तो काफ़ी स्पीड से पीछे जा रही है। तो ये बात एक सच्चाई है कि यहाँ पे कुछ चुंबकीय शक्ति है जो गाड़ी को अपनी ओर खींचती है। कि इस मामले की सच्चाई आपके सामने हमने आपको दिखाने की कोशिश की, सच में वो सही बात है। एक बार गाड़ी को हम पीछे और करके और दिखाएंगे। जी किशोर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ की पड़ताल हेतु हम यहाँ पर आए हैं, और किसी भी प्रकार की अफवाह के चक्कर में आप लोग ना पड़े। वास्तव में ये चीज़ है जो वास्तविकता यहाँ पर नज़र आ रही है। जी देखिए, तो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरी गाड़ी को एक बार आप दिखाइए, कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक भी नहीं लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करें कि हैंड ब्रेक भी गाड़ी में नहीं लगे हुए हैं, गाड़ी न्यूट्रल है, ठीक है। ब्रेक मैंने दबा रखे हैं, इसलिए दबा रखे हैं कि गाड़ी 20 की स्पीड में ब्रेक जाती है। अब मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ूंगा तो आप देखिएगा मेरी गाड़ी किस प्रकार से पीछे की ओर जाती है, चढ़ाई की ओर रोक करती है। मैंने ब्रेक छोड़ दी है और गाड़ी पीछे की ओर देखिए लगभग 20 की स्पीड में गाड़ी पीछे जा रही है। 20 की स्पीड में मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की है, क्योंकि पीछे पहाड़ियाँ हैं तो ये प्रैक्टिकल हमें महंगा नहीं पड़ जाए, तो वो चीज़ भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं गाड़ी को आगे लेता हूँ और उसके बाद में एक बार मैं गाड़ी को आगे लेके और फिर से न्यूट्रल करने की कोशिश करता हूँ। एक बार कैमरामैन से बोलूँगा पीछे से दिखाने की कोशिश करें। देखिए मैं गाड़ी को न्यूट्रल कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया और अब पीछे छोड़ रहा हूँ। देखिए गाड़ी पीछे की ओर, देखिए 20 की स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली है, लगभग कितनी तेज़ी से ये पीछे की ओर गाड़ी रुक कर रही है। देखिए अजूबा नहीं है तो क्या है आखिर ये? वास्तव में आप सच मानिएगा, खेतड़ी में अजूबा हमें देखने को मिल रहा है। पीछे की ओर गाड़ी जा रही है, चढ़ाई में गाड़ी रोक कर रही है। एक प्रैक्टिकल और दिखाएंगे आपको, एक प्रैक्टिकल ओ आप यहीं से दिखाना, मैं गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ। देखिए ये मेरी गाड़ी है, बीच पॉइंट में खड़ी है, यहाँ पे ढलान है और ये बीच में खड़ी है, और अब पीछे की ओर चढ़ाई है। मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ब्रेक छोड़ने की कोशिश करूँगा। देखिए देखिए गाड़ी किस प्रकार से पीछे जा रही है, कितनी तेज़ी से गाड़ी पीछे जा रही है। देखिए तो ये मैग्नेटिक हिल है, और जो हम बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय ताकत है वो गाड़ी को पीछे की ओर खींचती है, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और इस अजूबे को देख सकते हैं, निहार सकते हैं। झुंझुनू ज़िले के खेतड़ी तहसील के हम बात करें कि भोपालगढ़ दुर्ग जाने वाले रास्ते से हमने आपको ये लाइव कवरेज दिखाई थी। हमारे साथी पत्रकार हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे थे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज सबने हमने जब जाँच पड़ताल की तो ये सही पाया गया कि यहाँ पर वास्तु में ही अजूबा है। कोई चुंबकीय ताकत है या क्या है, वो पीछे की ओर, वो भी हम ये नहीं कह रहे ढलान में, चढ़ाई की ओर गाड़ी को पीछे की ओर खींचती है। और मैं गाड़ी में इसलिए अंदर बैठा हूँ कि मुझे डर लग रहा है कि कभी कहीं मेरी गाड़ी ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ ले जिससे कि गाड़ी पीछे की ओर चली जाए। इसलिए मैं गाड़ी के अंदर तो बैठा था, बट मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर रखा था, कोई गियर वगैरह कुछ भी नहीं डाले। यहाँ कोई चुंबकीय ताकत है जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किस प्रकार से, वो तो वैज्ञानिक जानते हैं या फिर ये पृथ्वी जानती है या फिर ये भगवान जानता है कि क्या क्या अजूबे यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि भारत देश है वो आश्चर्य और चमत्कारों का देश है। आइए आप भी, आपका वेलकम है सेकावाटी की इस धरा पे। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के भोपालगढ़ दुर्ग जाने वाले रास्ते पे आप आइए और आप भी इस अजूबे को देख के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।